जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं कुलेश मार्कंडेय चंद्रा एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग अप्रैल मंथ के जितने भी टॉप मोस्ट करेंट अफेयर्स है उसके बारे में डिटेल जानेंगे। नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स संबंधित यह करेंट अफेयर्स है। यह वीडियो आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं जो करंट अफेयर्स लाया हूँ वो टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स है जो आने वाले हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रखता है। तो हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें। ठीक, चलो अब हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले नेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे, उसके बाद फिर इंटरनेशनल, फिर स्पोर्ट्स। देखिए, इस बार का जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 दिया गया है अमिताभ बच्चन जी को, इस बार का आपका लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार दिया गया है। आपको ध्यान रखना है कि इस बार का जो संस्करण कौन सा है, थर्ड नंबर का है। इसके पहले दो लोगों को और मिल चुका है, 2022 में प्रथम संस्करण इसमें मिला है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर का 2023 में जो प्राप्त हुआ है वो है आशा भोसले जी को। ठीक है, ये दो लोगों को मिला है। इस बार थर्ड अमिताभ बच्चन जी को मिला है। इसके का उद्देश्य क्या है? यह पुरस्कार संगीत, सिनेमा, सामाजिक सेवा और साहित्य में प्रभावशील योगदान हेतु दिया जाता है। क्लियर है? अमिताभ बच्चन भी हिंदी सिनेमा जगत के बहुत बड़े हस्तियां हैं। ठीक है, इनको समाज सेवा या फिर फिल्म जगत में बेहतर काम करने के लिए इनको दिया गया है। ठीक, ध्यान रखना कि इस सम्मान समारोह में दो लोगों को भी सम्मानित किया गया है। एक है अभिनेता रणदीप हुड्डा जी जो बेस्ट फिल्म प्रोडक्शन और बेस्ट एक्टर है, और एक दूसरा व्यक्ति थे म्यूजिशियन है एआर रहमान जी को, भारतीय संगीत के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इनको भी पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार के जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है इसमें तीन लोगों को सम्मानित किया गया है, मगर ये पुरस्कार किसको मिला है? अमिताभ बच्चन जी को। ये दोनों जो है अभिनेता रणदीप हुड्डा और एआर रहमान जी को, इनको अलग अलग क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, ये आज का पहला टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय नौसेना के नए एडमिरल जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक, भारतीय नौसेना। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे थल सेना। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे वायु सेना। ठीक, तो इस बार भारतीय नौसेना का नए एडमिरल जनरल नियुक्त किया गया है, उनका नाम है श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को भारतीय नौसेना का नए एडमिरल जनरल नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ऑलरेडी ये वाइस एडमिरल उप प्रमुख है। ठीक है, भारतीय नौसेना का। इनका पद ग्रहण कब किया जाएगा? 30 अप्रैल 2024 को। किसके स्थान पर ये आएंगे जी? एडमिरल आर हरि कुमार जी को। ठीक, इसको रिप्लेस करके अभी कौन बनेंगे? श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के एडमिरल जनरल होंगे। क्लियर है? वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है जी? ये है आपका जनरल मनोज पांडे जी। ठीक है, मनोज पांडे जी अभी वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष है। वायुसेना की बात करेंगे तो वायुसेना है एयर मार्शल विवेक कुमार चौधरी जी। ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में ध्यान रखना अभी सेकंड नंबर का CDS। ठीक है, CDS चीफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, कौन है वर्तमान में? अनिल चौहान जी अभी वर्तमान में सेकंड नंबर के CDS है। ठीक है, इन सब का यदि मंत्रालय बोला जाए तो ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? गृह मंत्रालय के। अच्छा, प्रथम सीडीएस भारत के कौन थे जी? स्वर्गीय विपिन रावत जी है। ठीक है, इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में भारतीय नौसेना के नए एडमिरल जनरल कौन है? श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, जो किसके स्थान पर आ रहे हैं? आर हरि कुमार। क्लियर, चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अभी हाल ही में
भारत के अंदर एक पुरस्कार दिया जाता है, वह पुरस्कार का नाम है आर्यभट्ट पुरस्कार 2024। तो इसकी प्रारंभ देखा जाए तो 1992 में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। यह पुरस्कार देना कब प्रारंभ हुआ है देश के अंदर, 1992 में। इस बार किसको प्राप्त हुआ है, डॉक्टर सुब्बाराव पौलूरी, ठीक है, ये इनको इस पुरस्कार दिया गया है। ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है जी, ये अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जो बेहतर काम करते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, ये एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, इनके ध्यान रखना, प्रदानकर्ता संस्था एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। किस लिए दिया जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है, आपका स्पेस एजेंसी के लिए भारत के अंदर विशेष कार्य करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये जो है आपका डॉक्टर सुब्बाराव पौलूरी वर्तमान में इसरो में वैज्ञानिक है, ठीक है, लगभग 40 साल तक ये अपनी सेवा दे चुके हैं, ठीक है, सेवा दे चुके हैं 40 साल तक, क्लियर है। इनके विशिष्ट कार्य के लिए इस बार आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 इनको प्राप्त हुआ है, ठीक। चलो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्व में सबसे ज्यादा विदेश में रहने वाले नागरिक की बात किया जाए तो भारत से है। भारत के नागरिक जो है विश्व भर में बहुत सारे देशों में रहते हैं, तो वहां पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आने से भारत सरकार के द्वारा ऐसी कुछ कुछ ऑपरेशन चलाई जाती है, पहले भी चलाई गई है, अभी हाल ही में एक ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन इंद्रावती। ये ऑपरेशन इंद्रावती किस लिए चलाया गया है, एक हैती देश है, वहां पर जो 90 भारतीय लोग है उन लोग फंस गए हैं। कैसे फंसे हैं कि हैती में वहां की जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ गई है, जिसके वजह से वहां पर आपातकाल की घोषणा की गई है और कर्फ्यू लगा दी गई है। तो ये जो प्रॉब्लम के वजह से भारत सरकार के जो भारतीय विदेश मंत्रालय, इनके द्वारा वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, ए जयशंकर, इनके द्वारा हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा वहां पर फंसे 90 भारतीयों को वापस भारत लाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन इंद्रावती कौन से देश के लिए है, हैती, हैती देश के लिए। वहां की कानून व्यवस्था ढप पड़ गया है, जिसके वजह से वहां पर आपातकाल की स्थिति घोषित किया गया है, वहां पर कर्फ्यू लगा है, इसलिए वहां पर भारतीय नागरिक है उनको बचा कर लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया जा रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 3 निजी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, ठीक। तो इसके पहले भारत में 16 नवरत्न कंपनी थी, नवरत्न कंपनी के ऊपर आता है महारत्न कंपनी, तो महारत्न कंपनी भारत के अंदर अभी 13 है, अभी 13 है। और नवरत्न कंपनी की बात करेंगे तो नवरत्न कंपनी कितना है, 19 है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 3 कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो वो 3 नवरत्न कंपनी कौन कौन से है, एक है आपका नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL, दूसरा है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IDA, ठीक, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी, और तीसरा है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HUDCO। इन 3 कंपनी को भारत सरकार के द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में अब भारत के अंदर 19 नवरत्न कंपनी हो चुकी है, इसके पहले 16 था। भारत में 13 महारत्न कंपनी, जिनमें से नवीनतम महारत्न कंपनी की बात करेंगे तो नवीनतम है पावर फाइनेंस फाइनेंस कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन अभी इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, PFC, ठीक है, 13वें नंबर का है, क्लियर है। चलो देखते हैं आगे, थोड़ा सा समझते हैं। अब देखो ये IDA कंपनी है, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है जो ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के नए और नवीनीकरण स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए अलग अलग तरीके से वित्तीय सहायता करता है, ठीक है। दूसरा देखें तो NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड,
राज्य के स्वामित्व वाली नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई है तथा इसका मुख्यालय नोएडा यूपी में है। हुडको की बात करें, ये हाउस होल्डिंग वाला है, ठीक है, की स्थापना 1970 में हुई है और यह सरकारी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से संबंधित है। मतलब जितने भी सरकार के द्वारा जो भी हाउसिंग बोर्ड जो बनाते हैं उसके लिए ये क्या करता है, फाइनेंस देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है वर्तमान में 19 नवरत्न कंपनी हो चुके हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है टाटा के द्वारा भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया गया है, ठीक है। टाटा एक प्राइवेट लिमिटेड है, उनके द्वारा भारत के लिए निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया गया है। ये कौन सा है वो देखते हैं। ये हमारा उपग्रह का नाम है T-SAT-1A। उपग्रह का नाम क्या है जी, T-SAT-1A। निर्माता कंपनी टाटा सन्स की सहायक कंपनी है, कौन सा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इनका लॉन्च हुआ था 7 अप्रैल 2024 को। डेट क्या है, 7 अप्रैल 2024 को। लॉन्चिंग स्थान मतलब कहां से लॉन्च किया गया है, तो कैनेडी स्पेस सेंटर, ये कहां है, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। फ्लोरिडा कहां है, संयुक्त अरब अमीरात यूएसए, यहां से लॉन्च किया गया है। देखिए ये जो आपका पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो रॉकेट का नाम है स्पेसएक्स फाल्कन 9 एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क का ये कंपनी है। देखो इसमें विशेष ध्यान रखना है कि T-SAT-1A उपग्रह का वजन 50 किलोग्राम है और इसे पृथ्वी के निचली सतह पर स्थापित किया जाएगा और यह एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। रिमोट के थ्रू यह जो सैटेलाइट है वो चलेगा, ठीक है। तो इतनी बातों का ध्यान रखना। की टॉपिक है कि एक निजी बैंक है, निजी बैंक के द्वारा लक्षद्वीप में शाखा खोला गया है। ये किसी निजी बैंक के द्वारा कोई से भी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर स्थापित करने वाला पहला बैंक है, ठीक है। तो लक्षद्वीप में पहला शाखा खोला गया है एक निजी बैंक के द्वारा, वह बैंक का नाम है HDFC बैंक। अब कौन से स्थान पर स्थापित किया जी, लक्षद्वीप के कवर्ती द्वीप में, लक्षद्वीप के कवर्ती द्वीप में। इसका उद्देश्य क्या है कि इस शाखा का उद्देश्य व्यक्तिगत बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग समाधानों पर ध्यान देने के साथ साथ सेवाओं के एक विस्तृत श्रृंखला की प्रस्तुत करके लक्षद्वीप में बैंक बुनियादी को उन्नत करना है, बेहतर करना है, ताकि वहां के लोगों को किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत न हो, ठीक है। ध्यान रखना कि HDFC बैंक जो है भारत के अग्रणी निजी बैंकों में से एक है, जो 1994 में निजी क्षेत्र का बैंक स्थापित करने के लिए RBI से मंजूरी हासिल की है और यह जो है एक प्राइवेट बैंक के रूप में उभरा है वर्तमान में। मतलब एक अच्छी बैंक के रूप में HDFC का नाम चलता है, ठीक। नेक्स्ट है भारत के अंदर एक गगन शक्ति 2024 अभ्यास चालू है, ठीक है। भारत के अंदर जो भारत का सबसे बड़ा वायु अभ्यास है, वायु सैन्य अभ्यास है भारत के द्वारा जो लॉन्च किया गया है गगन शक्ति 2024। इसके पहले ये जो है 2018 में और अभ्यास हुआ था, 2018 में जो पहला था, अभी इस बार का ये कौन सा संस्करण है, दूसरा। कितने दिन का होगा जी, 10 दिन का, 10 दिवसीय है, जो 1 से 10 अप्रैल 2024 तक चला है। कहां पर आयोजित हुआ है, स्थान है राजस्थान के पोखरण, राजस्थान के पोखरण में यह अभ्यास का शुभारंभ हुआ था, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल हुए थे जी, इसमें शामिल थे मेगा अभ्यास लड़ाकू जेट शामिल हुए थे, परिवहन विमान शामिल हुए थे, हेलीकॉप्टर है, मध्य हवा में ईंधन भरने वाले, ठीक, हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली विमान और मानव रहित सिस्टम भी इस गगन शक्ति अभ्यास में शामिल हुए थे। तो ध्यान रखना है कि गगन शक्ति 2024 इस बार का दूसरा संस्करण है, कहां पर आयोजित किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, पोखरण राजस्थान में, क्लियर है। और आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो भारत का सबसे बड़ा वायु सैन्य अभ्यास है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है, कहां पर, गुजरात के खेड़ा स्थान पर, ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ी है, ठीक, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। तो ये इंपॉर्टेंट है यह वाले टॉपिक, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब स्थान की बात, खेड़ा गुजरात,
ठीक है। निर्माणकर्ता किनके द्वारा निर्माण किया जा रहा है, यह है आपका अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के द्वारा लॉन्च किया, स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। कितने एरिया पर है जी, इसका एरिया है 538 किलोमीटर स्क्वायर। क्षमता क्या है, क्षमता है इसका 30 गीगावाट लगभग, है ना, 30 गीगावाट क्षमता है यहाँ पर बिजली उत्पन्न करने का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, खेवड़ा गुजरात में, ठीक, विश्व भर का सबसे बड़ा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है, ये टॉपिक तो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह टॉपिक हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है। देखा जाए तो यह जो गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 जिसको बोला जाता है ग्रीन नोबेल पुरस्कार, ठीक है, अब ग्रीन नोबेल पुरस्कार या फिर गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हुए आलोक शुक्ला जी के द्वारा छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है, ठीक है, मतलब पूरे एशिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। कौन, आलोक शुक्ला जी जो छत्तीसगढ़ के निवासी है, ठीक, इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अब देखो प्राप्तकर्ता कौन हुआ जी, आलोक शुक्ला जी छत्तीसगढ़ के निवासी है, ठीक, क्यों दिया गया है और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है वो देखते हैं। गोल्डन मैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन, ये एक संस्था है, इनके द्वारा दिया गया है यह पुरस्कार। कहां की संस्था है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, ठीक है। अब आलोक शुक्ला जी का योगदान क्या है, इन्होंने क्या किया है कि जो अभी आप लोग सुने होंगे कि कोरबा में जो आपका हसदेव अरण्य क्षेत्र है जहां पर कोयला खनन की कार्य चल रही है, गवर्नमेंट के द्वारा वो नीलामी किया गया था, तो उससे क्या है इन्वायरमेंट को तो लॉस होना है, साथ में वहां के जो मूल निवासी है आसपास के जो आदिवासी अंचल होने के वजह से लोग वहां पर परेशान थे, तो उनके साथ मिल करके वहां के जो जंगल है उसको बचाने का काम किया है, इसके वजह से इनको क्या दिया गया है, गोल्डन मैन पुरस्कार 2024। इनके योगदान है, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ के फेफड़ा कहे जाने वाले, छत्तीसगढ़ के फेफड़ा बोले जाते हैं, ठीक है, हसदेव अरण्य क्षेत्र को, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ के फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव अरण्य वन क्षेत्र को बचाने के लिए स्थानीय आदिवासियों का संगठित किया, ठीक है, तथा हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति, कौन सा समिति बनाया है जी, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति बनाया है या स्थापना किया गया है, जिनके द्वारा यहाँ पर जो कार्य चल रहे थे उनको रद्द किया है, ठीक है। आपको इसके महत्वपूर्ण बात देखो, कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि आलोक शुक्ला जी संपूर्ण एशिया महाद्वीप से प्रतिनिधित्व करके छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, ठीक है। अभी तक देखा जाए तो देश के अंदर 7 भारतीयों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें से 7वां कौन है, श्रीमान आलोक शुक्ला जी छत्तीसगढ़ से, ठीक है, तो इतना बात को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी, ठीक है, इंटरनेशनल समसामयिकी, जिसमें पहला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है आपका G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है। देखो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुआ था 1975 को, 1975 को स्थापना हुआ था, ठीक। वर्तमान में इसमें 7 देश में इटली, जापान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, अमेरिका, क्लियर है। इसमें रूस भी शामिल हुए थे, रूस जो है, ठीक, रूस भी आपका, रशिया जो है शामिल हुए थे, बट कुछ कारण वजह से ये जो है अपना नाम वापस कर लिए है, ठीक, इसलिए अभी भी वर्तमान में इसको G7 कहा जाता है। रूस शामिल हुए थे तो G8 हो चुका था, बट रूस जो है फिर से अपना नाम वापस कर लिया है, इसलिए अभी भी G7 ही कहलाता है, जो 7 देशों का क्या है, संगठन है, जिसमें वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मंच तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक को लेकर के चर्चा होती है, व्यापार से लेकर के आर्थिक समस्या हो गया, किसी सैन्य अभ्यास हो गया, उन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा होती है। तो इसके इस बार का जो संस्करण है वो है आपका 50वें क्रम का,
ठीक है, कौन से क्रम का है जी, 50वां क्रम का है, क्लियर है, 50वां क्रम का है। अब कब से कब आयोजित होगा, 13 से 15 जून 2024 को आयोजित होगा। कहां पर आयोजित होगा, ये इटली, इटली देश में आयोजित होगा, और इटली के कौन से शहर में, अपुलिया के फसानो शहर में होगा, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता आपके इटली के जो प्रधानमंत्री, ठीक है, महिला प्रधानमंत्री, जो इटली की प्रथम महिला पीएम है, इटली के प्रथम महिला पीएम है, जिनका नाम क्या है, जियोजिया मेलोनी, ये इटली के प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। अब इनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री जी को भी इनवाइट किया गया है विशेष गेस्ट के रूप में, ठीक है। शामिल देश के बारे में बताया हूं, 7 देश शामिल है, इटली, जापान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, अमेरिका, ठीक। अब कुछ इसके फैक्ट पॉइंट है, इटली की राजधानी कौन है जी, रोम, रोम है इटली की राजधानी, जो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था भी है, जिनका आपका हेडक्वार्टर रोम में स्थापित है। इटली की मुद्रा है इतावली लीरा, और इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस सम्मेलन, ठीक है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस सम्मेलन, इसकी संस्करण की बात किया जाए तो ये है 26 नंबर का संस्करण है इसका, 26 नंबर का, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। कब से कब यह सम्मेलन हुआ है, 22 से 25 जनवरी के बीच हुआ है 2024 में। कहां पर हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, कहां पर हुआ है, नीदरलैंड, नीदरलैंड राटरडम, राटरडम जगह है, नीदरलैंड आपका देश है। आयोजनकर्ता, इसके आयोजनकर्ता कौन सा है, विश्व ऊर्जा परिषद, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, इनके द्वारा यह सम्मेलन कराया गया है, ठीक है। उद्देश्य है दुनिया भर में स्वच्छ और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना, उद्देश्य क्या है, दुनिया भर में स्वच्छ और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना। इस बार का थीम रखा गया है रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट, इस बार का थीम क्या है, रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट, ठीक है। अब देखो ये 26वां क्रम का है, 27वां क्रम का जो होगा, 27 नंबर का होगा जो प्रस्तावित है, वो है आपका 26 से 29 अक्टूबर 2026 को होगा। कहां पर होगा, ये सऊदी अरब की जो सिटी है रियाद, रियाद में होगा, क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस के दौरान विभिन्न ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा संरक्षण पर चर्चा किए हैं, ठीक है, ये हो चुका है सम्मेलन, तो वहां पर क्या चर्चा हुआ है कि विभिन्न ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा संरक्षण में चर्चा की गई है कि किस टाइप से अपन इसके सोर्सेस देखें और कैसे इसको संरक्षण करके रख सकते हैं करके, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर वही ऊर्जा से संबंधित है, ठीक, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ठीक। देखो अब ये संस्करण कौन सा है, 16वां संस्करण है, ठीक, ये इंटरनेशनल है, ठीक है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। आयोजन स्थल की बात करेंगे तो अबू धाबी है, संयुक्त अरब अमीरात। इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक जलवायु पर कार्य, वैश्विक जलवायु पर कार्य, नवीकरणीय ऊर्जा और जल सुरक्षा और सतत विकास पर एक अग्रिम मंच के रूप में स्थापित करना। मेन उद्देश्य वही है कि वैश्विक स्तर पर जो जलवायु है उसको नियंत्रण करना है, ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा है उसको कैसे डेवलप किया जाए, साथ में जल सुरक्षा, सतत विकास, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सब इनकी मेन मुद्दा है, ठीक है, ध्यान रखना 16 क्रम का है। कहाँ आयोजित हो रहा है, ये हो रहा है आपका अबू धाबी में। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, डस्टलिक एक सैन्य अभ्यास है, ठीक, 2024 का। अब ये जो सैन्य अभ्यास है वो कौन कौन से देश के बीच होता है वो इम्पोर्टेंट है। ये है आपका भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है। अब ये कौन से संस्करण का है, ये 5वें क्रम का है। इसकी प्रारंभ जो हुआ है, ये प्रारंभ या फिर प्रथम संस्करण 2019 में हुआ है, ठीक है, 2019 में हुआ है, ध्यान रखना है।
अब इस बार का जो पांचवा संस्करण है कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो आयोजित किया जा रहा है टर्मेज जिला है, टर्मेज जिला कहां पर, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, कब से कब आयोजित किया गया था, 15 से 28 अप्रैल 2024 को। इसका उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना है, ठीक है, ताकि दोनों देश के बीच में किसी प्रकार की कोई दिक्कत मत हो, साथ में एक दूसरे का समय समय पर काम आ सके। भारत इसमें शामिल जो सेना है, भारतीय सशस्त्र सेना शामिल हुए हैं और उज्बेकिस्तान की तरफ से उसके गणराज्य की सशस्त्र सेना शामिल हुए हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि डस्टलिक जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। इस बार का जो संस्करण है पांचवें क्रम का है, इसका प्रारंभ हुआ है 2019 में और इस बार का कहां आयोजित हो रहा है, यह हो रहा है टर्मेज करके उज्बेकिस्तान का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि यह पहली बार ऐसा हो रहा है यूएसए अमेरिका जापान और फिलीपींस के बीच में एक शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ठीक है, जो है 2024 का प्रथम संस्करण, क्लियर है, यह पहली बार हो रहा है इसलिए प्रथम संस्करण है। ठीक, किसके इसके बीच में जी, यूएसए जापान फिलीपींस, कब हुआ है 11 अप्रैल 2024 को आयोजित हुआ है। ठीक है, इसकी आयोजन स्थल क्या है, आयोजन स्थल है वाशिंगटन डीसी अमेरिका। ठीक है, वही वाशिंगटन डीसी अमेरिका जहां पर आईएमएफ और विश्व बैंक का क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय है, क्लियर है। अब देखो अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसकी अध्यक्षता जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, कौन, जो बाइडन, जो बाइडन के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जा रहा है। मेन इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, जापान और फिलीपींस दोनों देशों का चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद को समाप्त करना, क्योंकि जापान और चीन का जो विवाद चल रहा है क्षेत्रीय उसके, ठीक है, इसके साथ चीन के साथ उस विवाद को समाप्त करना है। और ये समाप्त करने में किसका हेल्प मिलेगा, आपका यूएसए का। देखिए फिलीपींस और जापान दोनों का यूएसए अमेरिका के साथ क्या है जी, रक्षा समझौता है, और अमेरिकी सेना के जापान और स्थायी सैन्य अड्डे तथा फिलीपींस के सैन्य अड्डों तक पहुंचने का अधिकार भी है। मतलब जो अमेरिकी सेना है वह जापान में स्थायी सैन्य अड्डे तक जा सकते हैं, फिलीपींस के सैन्य अड्डों तक पहुंचने का भी अधिकार है। मतलब ओवरऑल बोला जाए तो अमेरिका फिलीपींस और जापान का हेल्प करेगा आपके चीन के साथ जो क्षेत्रीय विवाद है उनको दूर करने के लिए, क्लियर है। तो ये पहला शिखर सम्मेलन है जापान फिलीपींस और अमेरिका के बीच में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आगे है खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, ठीक है, आईपीएल में भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा अभी। अब आईपीएल जैसे समाप्त होगा 1 जून से 29 जून तक हम लोग आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का मजा लेंगे, जिसमें इस बार भारतीय टीम का सिलेक्शन हो चुका है। भारतीय टीम की कमांड संभालेंगे आपका रोहित शर्मा जी, वाइस कैप्टन है हार्दिक पांड्या। ठीक है, तो यह जो विश्व कप होने वाला है उसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। इस बार का जो विश्व कप होगा वो 9th नंबर का है, 9th, ठीक है, 9th संस्करण क्या है, 9th क्रम का है। फर्स्ट हुआ था वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, विजेता कौन थे जी, विनर की बात करेंगे, विनर थे आपका इंडिया, भारत इंडिया, ठीक है, इंडिया विनर थे। और उपविजेता थे आपका पाकिस्तान। ठीक है, प्रथम कब हुआ था, 2007 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में, जिसकी विजेता थे भारत और उपविजेता थे पाकिस्तान, इसमें धोनी कप्तानी कर रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं, प्रथम संस्करण देख लिए 2007 में, इस बार का संस्करण कौन सा है, 9th नंबर का है। कब से कब होगा, 1 से 29 जून 2024 तक। कहां पर आयोजित होगा, ये आयोजित हो रहा है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका में, प्लस वेस्ट इंडीज,
ठीक है, ये दोनों देश में हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि यह आईसीसी टूर्नामेंट के लिए 3 ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, पहला नियुक्त किया गया है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिक्सर किंग, ठीक है, ये भी बहुत सिक्स मारते हैं, क्रिस गेल। ये कहां के खिलाड़ी है? वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज। और नेक्स्ट है आपका उसेन बोल्ट, ये आपका जमैका का धावक है। इनके बारे में बताएं तो ये जो है 100 मीटर की रनिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड रखे हैं अपने नाम, क्लियर है, 100 मीटर रनिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हीं के नाम में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के जो सिक्सर किंग है, भारत के सिक्सर किंग कौन? युवराज सिंह। युवराज सिंह को भी ब्रांड मेस्टर राजदूत नियुक्त किया गया है आईसीसी T20 2024 का, क्लियर है। ये वही युवराज है जिन्होंने 2007 के वर्ल्ड कप में 12 गेंदों पर हाफ सेंचुरी बनाए थे, ठीक है, 12 गेंदों पर। तो ध्यान रखना, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 कहां आयोजित हो रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ध्यान रखना कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 कहां आयोजित हो रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका प्लस वेस्ट इंडीज में। कौन सा संस्करण है? 9th नंबर का, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। देखो नेक्स्ट टॉपिक है तीरंदाजी विश्व कप 2024। अब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत को भी कुछ मेडल प्राप्त हुए हैं। इसकी आयोजन स्थल की बात करेंगे तो ये संघाई चीन में इसकी आयोजित हुआ है, ठीक। कौन से क्रम का था? 18वां क्रम का। और इसकी तिथि की बात किया जाए तो 13 से 28 अप्रैल 2024 को यह आयोजित हुआ है, ठीक, क्लियर है। इसकी शुरुआत बोला जाए तो शुरुआत इसके प्रारंभ कब हुआ है? प्रारंभ की बात करेंगे तो 2006 को यह विश्व कप तीरंदाजी प्रारंभ हुआ है, ठीक है। अब ये जो विश्व कप है तीरंदाजी का, ये अलग अलग चरणों में हो रहा है। तो पहला चरण समाप्त तो हुआ, इसके बाद फिर और होगा, जिसमें भारत को 8 पदक प्राप्त हुए हैं। भारत को कितने पदक प्राप्त हुए हैं? 8 पदक, जिसमें से 5 गोल्ड है, 2 सिल्वर, 1 कांस्य, ठीक है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 कहां आयोजित हो रहा है? चीन के संघाई शहर में। इस बार का जो क्रम है 18वें क्रम का है, ठीक, भारत को इसमें 8 पदक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024। इसमें भी भारतीय खिलाड़ी को पदक मिला है। 30 भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए थे, उसमें से 9 भारतीय खिलाड़ी को पदक मिला है। अब ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है कहां हुआ है? ये हुआ है आपका बिश्केक किर्गिस्तान, बिश्केक किर्गिस्तान में इसकी आयोजन हुआ है, जो कब से कब तक चला है जी? 11 से 16 अप्रैल तक आयोजित हुआ है। कौन से संस्करण थे जी? ये था 20वां क्रम का था। भारत को इसमें कितना मेडल प्राप्त हुआ है? 9, जिसमें से 4 सिल्वर है, 5 कांस्य है, गोल्ड इसमें प्राप्त नहीं हुआ है। 30 खिलाड़ी शामिल हुए थे, ठीक, इतनी बातों को इसमें ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग आगे। अगला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थॉमस कप, जो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, 2024 अभी हाल ही में चीन में आयोजित किया जा रहा है। कौन से क्रम का है? 33वें क्रम का है, चीन में आयोजित। कब से कब? 27 से 5 मई को, ठीक है। अब इसके बाद क्या डिटेल आता है उसको अगले वीडियो में देखेंगे, बट थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, 2024 का। कौन से क्रम का है? 33 नंबर का है। कहां पर आयोजित हो रहा है? चीन में आयोजित हो रहा है। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए, देखो कुछ महत्वपूर्ण मैं तथ्य लेकर के आया हूं, या फिर ये भी करंट से संबंधित है। ये वन लाइनर है, वन लाइनर आपका करंट अफेयर्स जो कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखो पहला यहाँ पर पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए प्रबंध निदेशक, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जिसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वाशिंगटन DC में, जिसका स्थापना हुआ है 1944-45 के बीच में। इसी के साथ साथ IMF के साथ साथ वर्ल्ड बैंक का भी स्थापना हुआ है, इसलिए वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है।
तो इसके नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं क्रिस्टेलाना जॉर्जीवा। इसकी ये सेकेंड द्वितीय कार्यकाल है, कार्यकाल है, ठीक है। ये पहले भी यही वहां के क्या थे, चेयरमैन थे, अभी भी वर्तमान में इन्हीं को बनाया गया है, क्लियर है। तो ध्यान रखना, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय, देखो अंतरिक्ष स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय की बात कर रहे हैं। दूसरे भारतीय कौन है, गोपीचंद थोटाकुरा, गोपीचंद थोटाकुरा। तो पहले भारतीय कौन थे जी, पहले कौन थे आपका, राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा जी, ठीक है। राकेश शर्मा पहले भारतीय जो 1984 में गए थे। अब सेकंड जो भारतीय जो अंतरिक्ष में गया है वो आपका गोपीचंद थोटाकुरा, ठीक, 2024 में। देखो अगला टॉपिक है संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, SCO 2024 की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, रक्षा मंत्री की, कहां हुई बैठक, अस्थाना कजाकिस्तान, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। ये वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स अभी जारी हुआ है जिसमें प्रथम में है रूस, प्रथम स्थान किसका है, रूस का, मतलब ये किससे संबंधित है, साइबर क्राइम से संबंधित है। भारत के स्थान इसमें कितना है, 10th नंबर का, प्रथम में है रूस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत जो है पहली बार कोई विदेशी देश को एक्सपोर्ट किया है, क्या, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत जो है किसी देश को निर्यात किया है, तो कौन से देश को निर्यात किया है जी, वो है आपका फिलीपींस को, ठीक है। अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान दिया है कोई जनजाति है, ठीक है, वो कौन से जनजाति है, सोमपेन, सोमपेन जनजाति है, पहली बार आपका क्या दिया है, मतदान दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा चुनाव में कौन से राज्य में 6 जो जिले हैं वहां पर मतदान नहीं दिया गया है, मतदान प्रतिशत कितना रहा है, 0, ठीक है। कौन से आपका राज्य है, ये है आपका नागालैंड, नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, ठीक है, का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, नया निदेशक राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का कौन है जी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक। अगला देखो, आतंकरोधी बल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, नलिन प्रभात जी को, ये वर्ल्ड नाइनर है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनाया गया है, वो है प्रोफेसर नईमा खातून जी को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओपन एआई कंपनी ने सरकारी कार्यों को संभालने के लिए भारत में पहली बार एक महिला कर्मचारी को नियुक्त किए हैं, ठीक है। ये पहली कर्मचारी है, वो भी महिला है, जिनको भारत में ओपन एआई को हैंडल करने के लिए नियुक्त किया गया है। नाम क्या है जी, प्रभा मिश्रा जी को। तो ये हमारा करंट अफेयर्स का सेशन आज का समाप्त होता है। सभी टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लियर है, आप लोग को पढ़ करके समझ आएगा कि सभी टॉपिक कितने इम्पोर्टेंट है, वो समझ आ जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, थैंक यू।